लालची चॉकलेट वेफल वाला। एक गांव में जुगनी कहकर एक औरत अपने बेटे सोनू के साथ रहा करती थी। सोनू उसी गांव के स्कूल में पढ़ता था। जुगनी रोजाना सोनू को तरह तरह के डिशेस बनाकर देती जो कि उसे और उसके दोस्तों को बहुत पसंद आते। मम्मी आज टिफिन में क्या है? चॉकलेट वेफल्स। अब जाओ स्कूल, टेस्ट करके बताना कैसा बना है। फिर सोनू स्कूल जाता है। वहीं लंच टाइम में सभी साथ मिलकर टिफिन शेयर करने लगते हैं। तभी सोनू तूने क्या लाया है? चॉकलेट वेफल्स। क्या चॉकलेट वेफल्स? ये तो मैंने शहर के एक रेस्टोरेंट में खाए थे। क्या तेरी मम्मी वहाँ से लाई है क्या ये? नहीं नहीं मंटू, मम्मी ने घर पर ही बनाए हैं। अब चलो जल्दी जल्दी टेस्ट करके बताओ कैसे बने हैं। फिर सोनू और सभी बच्चे चॉकलेट वेफल्स खाते हैं। आज तो मजा ही आ गया टिफिन खाने में, और सबसे ज्यादा तो वो चॉकलेट वेफल्स टेस्टी थे। सभी को चॉकलेट वेफल्स बहुत ही पसंद आते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन जुगनी के पति राजीव का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो जाता है, जिस कारण वो गांव छोड़कर जाने लगते हैं। सोनू हम तुझे और चॉकलेट वेफल्स दोनों को बहुत मिस करने वाले हैं। हाँ सोनू, वी विल मिस यू। और फिर वो हमेशा के लिए उस गांव से चले जाते हैं। सोनू वहां से चला जाता है, लेकिन बच्चों के मन में उसकी यादें और उसके वेफल्स के टेस्ट रह जाते हैं, जिस कारण अब वो अपने माता पिता से चॉकलेट वेफल्स की जिद करने लगते हैं। वहीं उसी गांव में काजू और राजू कहकर दो आदमी रहा करते थे। दोनों ही बड़े चंट होते हैं। ओ काजू भाई, यही मौका है कुछ करने का। सही कह रहे हो दोस्त, दुकान अच्छी चलेगी। वहीं अगले दिन दोनों दोस्त गांव में चॉकलेट वेफल्स के स्टॉल लगाते हैं। वहीं जब बच्चों को चॉकलेट वेफल्स के स्टॉल के बारे में पता चलता है तो वो बड़े ही शौक से उसे खाने आते हैं। उसमें उन्हें वैसा टेस्ट तो नहीं मिलता, लेकिन वो चॉकलेट वेफल्स खाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। यही समय है मौके पर चौका मारने का। तो देर किस बात की? फिर अगले दिन, सुनो सुनो गांव वालों, बच्चे बूढ़े सभी आओ, चॉकलेट वेफल्स खाओ, खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। जाइंट चॉकलेट वेफल्स केवल 50 रुपए में। केवल 50? वहीं इतने सस्ते में चॉकलेट वेफल्स सुनकर वहां लोगों की लाइन लग जाती है। और जब सभी वहां आते हैं तो देखते हैं कि वहां एक बड़ा सा चॉकलेट वेफल्स रखा हुआ है, जिसके बाद सभी राजू काजू को 50 रुपए देकर उस वेफल्स को खाने में लग जाते हैं। लेकिन उसे कितना भी खाओ खत्म ही नहीं होता। फिर लोग चॉकलेट वेफल्स खाकर थक हार कर अपने घर को जाने लगते हैं। तभी धीरे धीरे करके सब ये नोटिस करते हैं कि उनके शरीर पर जितने भी गहने थे सब गायब हैं। जैसे औरतों के शरीर से सोना चांदी, आदमियों की घड़ी और चेन, ये देख सभी बहुत परेशान हो जाते हैं। पक्का ये उन दो चॉकलेट वेफल्स वालों का काम है? नहीं अंकल, वो आदमी बहुत भला है, वो ऐसे कैसे कर सकता है ये सब। अच्छा ऐसी बात है तो रुको, अभी साबित हो जाएगा। फिर गांव वाले एक आदमी को औरत का रूप देकर ढेर सारा गहना पहनाकर उसे चॉकलेट वेफल खाने के लिए भेज देते हैं। और जैसे ही वो औरत बना आदमी चॉकलेट वेफल खाने के लिए जाता है, उसके सारे गहने अचानक से गायब हो जाते हैं और गांव वालों को सब समझ में आ जाता है। जिसके बाद वो पुलिस को फोन करके राजू और काजू को गिरफ्तार करवाते हैं। वहीं इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि राजू काजू ने चॉकलेट वेफल्स में इंजेक्शन के थ्रू ऐसा द्रव्य मिलाया था कि जो भी उसके पास जाएगा उसके सारे गहने वेफल्स की ओर खिंच जाएंगे और उसमें छुप जाएंगे। वहीं जेल में बनना तो करोड़पति था, बन गए रोडपति। अब जेल में चॉकलेट वेफल के लिए चक्की पिसिंग पिसिंग पिसिंग।